शालीमार बाग विधानसभा की विधायिका चंदना कुमारी और निगम पार्षद जलद चौधरी के वार्ड 55 ए में समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन एक समस्या जो महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बन गई है वो है शौचालय। यहाँ शौचालय की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि लोगों को शौचालय जाने के लिए बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक सनम बस्ती है जहां लोगों के घरों में शौचालय नहीं है। वहीं ये सब इन्हीं सरकारी शौचालयों पर निर्भर है, लेकिन निगम पार्षद और विधायक की अनदेखी के कारण शौचालय का बुरा हाल है। लोगों ने बताया कि यहां सफाई व्यवस्था ठीक न होने के कारण कभी कभी इसको बंद कर दिया जाता है, जिसके कारण महिलाओं को खुले में शौच जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जहाँ एक तरफ पूरे देश के अंदर एक घर एक शौचालय का निर्माण किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ शालीमार बाग विधानसभा के वार्ड 55 ए में शौचालय की हालत बदतर होते जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। हाँ, जैसा कि हम इस बस्ती की अलग अलग समस्याओं से आपको अवगत करा रहे हैं, और इस टाइम हम खड़े हैं यहाँ के जो एक शौचालय है, सरकारी शौचालय, दिल्ली सरकार का शौचालय। और शौचालय जो है वो सबसे ज़्यादा अहम इसलिए भी होता है क्योंकि जो महिलाएँ हैं उनको उसको यूज़ करना होता है, लेकिन यहाँ की शौचालय की जो व्यवस्था है वो कैसी व्यवस्था है वो महिलाएं अपने आप बताएंगी हमें। आप बताएं माता जी कि यहाँ की जो शौचालय में साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है? सही था वैसे। बोलो बोलो। हेटोग्राइन से के दे दा ना, हेटोग्राइन बताइए, बता ना। आप बताओ। ज़्यादा सफाई नहीं रहती भाई साहब। अगर सफाई कम रहती है ज़्यादा रहती है? कम रहती है। कम रहती है। कितने दिन में सफाई होती? सफाई तो करते ही रहते हैं, लेकिन गंदा करने वाले गंदा कर देते हैं। देखिए, सफाई की जो व्यवस्था है वो अलग अलग वो होती है, इसमें 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर होती है। अच्छा, यहाँ जो ये शौचालय इसके अंदर शौचालय उसके बारे में क्या कहते हैं? मैं यहाँ शौचालय के बारे में, हमारे बीच में 4 शौचालय हैं, एक मेन रोड पे है, 2 प्राइवेट हैं और 2 सरकारी हो गए कि यहाँ अंदर का। जो प्राइवेट वाले में भी सफाई की ना बराबर है, जिसमें पैसे भी लगते हैं, और जो ये सरकारी शौचालय है इसमें पहली बात तो टंकी नहीं थी, फूटी हुई थी टंकी, इन्होंने अभी रखवाया लेकिन उसको कनेक्शन नहीं किया टंकी को। पानी की सुबह के टाइम इतना समस्या बढ़ जाती है, जब गैदरिश होती है पब्लिक गैदरिश तो काफ़ी परेशानी होती है। आए दिन यहाँ की मोटर ख़राब रहती है, हफ्ते में 3 दिन तो बंद ही रहना शौचालय, कभी सीवर जाम हो जाना तो कभी कुछ हो जाना, ना इनके पास पूछो तो जो यहाँ सफाई कर्मचारी बैठते हैं कहते हैं जी ना हमारे पास हार्पिक्स है, ना ब्लीच है, ना झाड़ू है, ना पोछा है, मैं क्यों कर काम करूँ, ये कहते हैं। अगर इसके ठेकेदार को फ़ोन करते हैं तो कहते हैं जी सब कुछ मुहैया करा चुके हैं। अगर मुहैया करा चुके हैं तो मैंने खुद इनके घर इसमें आके जहाँ सफाई कर्मचारी बैठते हैं यहाँ खुद चेक इन करी, लेकिन वहाँ हमें कोई चीज़ नहीं मिला। इस व्यवस्था को, पानी की और शौचालय की व्यवस्था, गवर्नमेंट से मैं अपील करती हूँ कि हमारे बीच की समस्या हल करें। और यहाँ पे कहते हैं कि जो ठेकेदार हैं, ठेकेदार तो सामान भिजवाता नहीं है यहाँ पर, जिसकी वजह से जो यहाँ के केयर टेकर हैं उनका भी दिक्कत है। और आप बताएं क्या कुछ कहना चाहते हैं? हाँ भैया, सफाई तो मतलब होती है लेकिन बीच बीच में बंद भी हो जाता है तो कितना दिक्कत होती है हम सबको। बीच में जब गंदगी इतनी रहती है इसमें हो जाती है, अब बंद हो जाता है तो बताओ बाहर जाना पड़ता है तो कितनी जो ना हमें दिक्कत उठानी पड़ती है बाहर, बताओ लोग रहते हैं, आदमी रहते हैं कितने, शर्म भी आती है हम सबको जाने में। अब ये पास में खुला रहता है तो वो सही रहता है ना सुविधा, बीच बीच में बंद भी हो जाता है इसलिए दिक्कत हो जाती है हमें। देखिए, सही मायने में ये है कि जो शौचालय बना होता है वो शौचालय अगर सही से साफ़ सुथरा है तो उनको, जो महिलाएं, उनको भी कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि महिलाएं अगर शौचालय ख़राब होंगे तो महिलाओं को फिर बाहर खुले में शौच के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन अगर शौचालय ठीक है तो उनको फिर शौचालय यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब समस्या यहाँ पर यह है कि कुछ सफाई की व्यवस्था, कुछ जो पीछे से सामान आता है उसकी व्यवस्था, बाकी अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर किस तरीके से काम हो रहा है। मैं ललित लोधवाल, नेशनल इंडिया न्यूज़।